हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार दोस्तों, आज हम विधायक कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सिरसा जिले के रानिया हलके की। सबसे पहले मैं आपको रानिया हलके के 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजे पे नजर डालूंगा, उसके बाद हम इस रिपोर्ट को आगे लेकर चलेंगे। 2014 की मैं बात करूं तो रानिया हलके में सबसे ज्यादा वोट वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी रामचंद कंबोज को मिले, उनको 43,971 वोट मिले थे, वो विधायक बने। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे वो हरियाणा लोक हित पार्टी के उम्मीदवार थे गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा के छोटे भाई हैं। तीसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे चौधरी रणजीत सिंह, जिनको 36,703 वोट मिले। जगदीश नेहरा की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से जगदीश नेहरा चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि जगदीश नेहरा पहले कांग्रेस में होते थे और पिछले 2014 से कुछ समय पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने रानिया हलका से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। जगदीश नेहरा चौथे नंबर पे रहे, 19,790 वोट उनको मिले। इसके अलावा मैं बात करूं हरियाणा जनहित कांग्रेस की, भजन लाल की जो पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, उनका भी एक उम्मीदवार रानिया हलका में चुनावी मैदान में था, जगदीश मंडोली वाला, जिसको 778 वोट मिले थे, और CPI के जगतार सिंह से कम वोट मिले थे, CPI के जगतार सिंह को 1,067 वोट मिले थे। ये है 2014 का डाटा और ये कहूंगा कि रामचंद कंबोज है वो विधायक बने रानिया हलके के। हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2019 के, थोड़ा सा मैं उस पर आपका ध्यान डाल देता हूं, क्योंकि यहां पे रानिया हलका में मैं ये कहूंगा कि 1,40,208 वोट टोटल वोट है वो यहां पोल हुए, जिसमें से सुनीता दुग्गल को 71,154 वोट मिले, डॉक्टर अशोक तंवर जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के उनको 43,845 वोट मिले, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी चरणजीत सिंह रोड़ी का मैं चर्चा करूं तो उनको 13,272 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पे रहे, और जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रत्याशी निर्मल सिंह मलड़ी को 6,632 वोट मिले। ये रानिया हलका का गणित है। ये कहूंगा कि सुनीता दुग्गल ने यहां से 27,309 वोटों से जीत दर्ज की। अशोक तंवर दूसरे नंबर पे रहे। अशोक तंवर को जीत का मंत्र देने वाले चौधरी रणजीत सिंह है, उनका भी जादू यहां नहीं चल पाया। बेशक चौधरी रणजीत सिंह मंचों से कहते रहे कि रानिया हलका में डॉक्टर अशोक तंवर है वो जीतेंगे, लेकिन इस रानिया हलका ने 27,309 वोटों से अशोक तंवर को हरा दिया। क्या कारण रहे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि रानिया हलका के क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रानिया हलका एक धान का कटोरा कहा जाता है, धान की बेल्ट कही जाती है ये, और यहाँ पर सरकार की ओर से इस इलाके को डार्क जोन घोषित किया हुआ है, जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। मुख्य समस्या ये कहेंगे कि यहाँ के किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो नहीं मिल रहे हैं, इस इलाके को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। किसानों का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के किसानों को राहत दे ताकि वो धान की खेती कर सकें। धान को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी एक बयान है वो काफ़ी चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान है वो धान लगाना छोड़ दे, इसका विकल्प तलाशे। लेकिन रानिया हलका जो धान का कटोरा कहा जाता है, घग्गर बैलेट है ये, जहाँ पर धान है वो अच्छी खासी मात्रा में होता है, चाहे हम मुच्छल धान की बात करें या PB1 की बात करें, तो यहाँ पे किसान है वो काफ़ी परेशान है। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या है, जो घग्गर के साथ लगता है जो इलाका है वहाँ पीने के पानी की काफ़ी समस्या है, क्योंकि किसानों का कहना है, आम जनमानस का कहना है कि यहाँ इस घग्गर के पास तट पे होने के कारण यहाँ जो पीने का पानी है उसमें कैंसर के चलते यहाँ इस इलाके में कैंसर का काफ़ी बड़ा प्रकोप है। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ रानिया के पास गांव है कुत्ताबड़, जहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घग्गर नदी पर पुल बनाने की बात कही थी, लेकिन पुल नहीं बना। पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव हुए
तो कुत्ताबट गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया। हालांकि जिला उपायुक्त और सिरसा के एसपी ने मौके पर जाकर स्थिति संभाली। हालांकि गांव के काफ़ी कम संख्या में जो गांव के लोगों ने है वहां वोट डाले। ये बड़े मुद्दे थे इस इलाके के। इसके अलावा मैं अब प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करूं तो यहां भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में चौथे नंबर पे थी, जगदीश नेहरा चौथे नंबर पे थे, करीब 20,000 वोट उनको मिले, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी हलके से 27,000 वोटों से जीत गई। 27,000 वोटों से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं। मैंने आपको कल बताया था सिरसा में कि एक नार 100 बीमार है। कहीं ना कहीं रानिया में भी इसी बात को दोहराया जा सकता है कि काफ़ी जो प्रत्याशी हैं वो रानिया में भी संभावित है, वो देखे जा रहे हैं। उनमें सबसे मैं पहले चर्चा करूंगा जगदीश नेहरा की, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार उनको टिकट मिला था। जगदीश नेहरा आज भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। पिछली बार उनको 20,000 वोट मिले, लेकिन जगदीश नेहरा है वो इस बार चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जता चुके हैं। बेशक उन्होंने इससे पहले अपने बेटे सुरेंद्र नेहरा पे उन्होंने कहा कि सुरेंद्र नेहरा है वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में, क्योंकि ये वो इलाका है जो इसकी सीमा है वो राजस्थान के साथ लगती है, क्योंकि बनी के बाद राजस्थान है वो शुरू हो जाता है। इस इलाके में करीब 1,77,719 वोटों वाले इस हलका में ये कहूँगा कि 5 बड़े वोटों के बाहुल्य जो कम्युनिटी है वो है इस हलके में, जिसमें से मैं बताऊं कि कंबोज हैं, यहाँ से विधायक है रामचंद कंबोज है, कंबोजों का अपना एक अच्छा खासा वोट है। इसके अलावा मैं कंबोजों के अलावा अगर जाट की बात करूं तो जाट समुदाय के भी यहाँ पूरी बैलेट है जिसमें जाट समुदाय के वोट हैं। इसके अलावा नामधारी बैलेट है, यहाँ नामधारी समुदाय के भी काफ़ी वोट हैं। कुम्हार समाज के यानी कि प्रजापत समाज के भी काफ़ी वोट हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां हैं, बेशक ये जातिगत चुनाव को लेकर के इससे ऊपर उठ करके राजनीतिक पार्टियां हैं वो काम करने का दम भरती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातिगत आंकड़ों के हिसाब से ही जो है टिकट है वो देती है। और हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ इस इलाके में एन मौके पे ही अधिकतर पार्टियों के टिकट है वो अनाउंस होते हैं। पार्टियां एक दूसरे पार्टियों का वेट करती रहती है कि इस इलाके में अगर किसी पार्टी ने कंबोज कार्ड खेला है तो दूसरी पार्टी है वो किसी जाट को चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसी तरह से अगर किसी पार्टी ने जाट को चुनावी मैदान में पहले उतार दिया तो दूसरी पार्टी किसी कुम्हार समुदाय के किसी उम्मीदवार पे विश्वास जता सकती है। 4 बड़े जो समुदायों के यहाँ वोट हैं वो कही जा सकते हैं। अब मैं चर्चा करूँगा भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ से जो जाट चेहरा हैं वो जगदीश नेहरा हैं, उसको कहा जा सकता है। इसके अलावा सुरेंद्र नेहरा हैं, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। कंबोज समुदाय की मैं बात करूँ तो कंबोज समुदाय से यहाँ शिशपाल कंबोज हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं। शिशपाल कंबोज है वो क्योंकि कंबोज समुदाय का जो मक्का मदीना है डेरा बाबा भूमन शाह वो भी सिरसा में स्थित है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कंबोज समुदाय के कार्यक्रम में शिरकत की थी, और उस कार्यक्रम में शिशपाल कंबोज है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफ़ी नज़दीक देखे गए। कहीं ना कहीं लोगों में ये चर्चा है कि शिशपाल कंबोज है वो उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की रानिया से। मौके की स्थिति की मैं बात करूं तो शिशपाल कंबोज है वो मार्केट कमेटी रानिया के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कुम्हार समुदाय की तो कुम्हार समुदाय को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी है यहाँ। गुरुदेव सिंह राही हैं, माटी कला बोर्ड के वो चेयरमैन रहे हैं गुरुदेव सिंह राही हैं, वो भी इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की। और इसके अलावा बात मैं कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस में भी जो बड़ा चेहरा है चौधरी रंजीत सिंह, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, वो भी कांग्रेस से यहाँ उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि चौधरी रंजीत सिंह ने कहूँगा कि पिछले कई महीनों से इस रानिया हलका में तैयारियाँ रैलियाँ और
वर्कर्स मीटिंग है वो शुरू कर रखी है और अच्छा खासा समर्थन है चौधरी रंजीत सिंह को रानिया हल्का से मिल रहा है। तो कांग्रेस में मजबूत चेहरा है वो चौधरी रंजीत सिंह है, वो हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं नामधारी समुदाय की, तो गुरनाम सिंह छप्पर हैं वो रानिया हल्का से चेहरा हैं। मलकीत सिंह खोसा की मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं कंबोज समुदाय की, तो बूटा सिंह थिंद हैं वो कंबोज समुदाय से हैं, वो भी इच्छा रखते हैं कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा गोपाल कंबोज हैं डॉक्टर अशोक तंवर के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं दोनों, जो बूटा सिंह थिंद है और गोपाल कंबोज हैं, तो इनको भी जो चुनाव मैदान में है कांग्रेस है कंबोज कार्ड खेल सकती है। किसी पंजाबी की बात आती है या किसी पगड़ीधारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं इनका नाम है वो सामने आ सकता है। कुमार समुदाय यानी प्रजापत समुदाय की मैं बात करूं तो ये कह सकता हूं कि विशाल वर्मा है वो बड़ा चेहरा है कुमार समुदाय का रानिया हल्का का, और उनको कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है वो नियुक्त किया है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल की मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल लोकदल में रामचंद कंबोज है वो मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा अगर इंडियन नेशनल लोकदल किसी जाट चेहरा को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती है तो उनमें से खारिया, क्योंकि बड़ा गांव है इस हलके का, उस गांव के रामकुमार नैन हैं धर्मवीर नैन हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर इनेलो यहाँ से किसी सिख चेहरे को चुनावी मैदान में उतारती है तो साहूवाला प्रथम गांव के रहने वाले जसवीर जस्सा है उनका नाम सामने आता है। जसवीर सिंह जस्सा है वो इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। इसके अलावा मैं बात करूं हाल ही में गठन हुई दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी की, तो जननायक जनता पार्टी से कृष्ण कंबोज है जो पूर्व में इनेलो की टिकट पे विधायक बने थे रानिया के, वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। उनके बेटे रणजीत सिंह हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं जननायक जनता पार्टी से। इसके अलावा एक जो बड़ा चेहरा है ये कहूँगा कि हालांकि राजनीति में सक्रिय नहीं है, सरदारा सिंह की मैं बात करूँ, गांव संतनगर के रहने वाले हैं सरदारा सिंह, जो हॉकी के कैप्टन रहे हैं पूरे भारत की टीम के और ओलंपिक के भी मेडल हैं उनके पास, सरदारा सिंह है बड़ा चेहरा है। कई राजनीतिक पार्टियों की निगाहें सरदारा सिंह पे भी टिकी हुई हैं, कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी हैं कि सरदारा सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रानिया हल्का में नामधारी समुदाय का अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं सरदारा सिंह पे भी जो नज़रें हैं वो कई राजनीतिक पार्टियों की टिकी हुई हैं। पिछले दिनों ये चर्चा भी थी कि सरदारा सिंह है वो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि ये चर्चाएं उस समय थी जब इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक थी, लेकिन अब इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी अलग अलग हो चुकी हैं। और रानिया हल्का के लोकसभा चुनाव पे मैं नज़र डालूं तो दोनों ही पार्टियों को, जो चरणजीत सिंह रोड़ी हैं उनको 13,272 वोट मिले थे और निर्मल सिंह मलड़ी हैं उनको 6,632 वोट मिले थे, यानी कि करीब 20,000 वोटों में इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी है वो सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो सरदारा सिंह है जो बड़ा चेहरा है, कई राजनीतिक पार्टियों की निगाहें हैं वो भी सरदारा सिंह पे टिकी हुई है। तो साथियों ये था रानिया हल्का का रिपोर्ट जो हमने आपको बताई कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और अपने सुझाव भी हमें देते रहे ताकि हम अपने आगामी जो रिपोर्ट होगी, आगामी आने वाली जो हमारी रिपोर्ट होगी उनमें हम किस तरह का सुधार किया जा सकता है। और हम चाह रहे हैं कि जल्द ही हमारे इस कार्यक्रम में हम हमारे जो दर्शक हैं उनको भी जोड़ें, दर्शकों की भी सवाल है वो लें, वो भी हम जल्द हैं आपसे करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सारा थैंक यू, शुक्रिया।